आज का राशिफल द 6th of April 2024। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और यह शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि शनिवार को सुबह 10:20 तक रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर होगा। प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार मनाया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और उनकी पूजा और आराधना का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिससे उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज 6 अप्रैल शनिवार को पहला प्रदोष व्रत है, जो इस साल का पहला शनि प्रदोष व्रत होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय मान्यतानुसार पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव अपने प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। अगर आप इस प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के संकट कम होते हैं और कालसर्प दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। आज के शनि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए मुहूर्त शाम को 6:41 से 7:04 तक रहेगा। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से अधिक शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त होता है। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत का महत्व और भगवान शिव की पूजा का विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भक्तों को उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ समस्त संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही दिन के दौरान शुक्ल योग रात 2:19 तक रहेगा और शतदिशा नक्षत्र दोपहर 3:39 तक रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:35 से 5:44 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है, जब प्राकृतिक तौर पर सूर्य का उदय होता है और पहले 4 घड़ी लगभग आधे घंटे का समय होता है। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ध्यान और आध्यात्मिक प्रारंभिकता के लिए उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:45 में और सूर्यास्त शाम 6:18 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सूर्य हो रहा होता है। ये वह समय है जब सवेरा होता है और दिन का पहला प्रकाश दिखाई देता है। सूर्योदय का समय रोजाना बदलता है, ये भौतिक स्थिति समय और स्थान के आधार पर विभिन्न होता है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। ये वह समय है जब दिन का अंत होता है और सूर्य की प्रकाशमानता धीरे धीरे घटने लगती है। सूर्यास्त का समय भी रोजाना बदलता है और इसका समय भी भौतिक स्थिति समय और स्थान के आधार पर विभिन्न होता है। अमृत काल सुबह 9:12 से 10:38 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:15 से 10:49 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है, जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। मीन राशि को प्राप्त सूर्य का प्रभाव शांति, सामंजस्य और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। ये समय भी कल्याणकारी होता है और व्यक्ति को आत्मसमझ, ध्यान और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करता है। इस अवसर का सही उपयोग करके लोग अपने आत्मविकास और आत्मसमर्पण की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। आज चंद्रमा मकर राशि में मौजूद है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव विचारशीलता, सामाजिक संज्ञान और नवीनता को बढ़ावा देता है। ये समय भी उत्साह, सहयोग और समृद्धि के लिए शुभ होता है। चंद्रमा कुंभ राशि में होने पर लोग समाज सेवा, नए विचारों को स्वागत और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने में रुचि रखते हैं। इस समय का उपयोग करके लोग समाज में पोषित होते हैं और अपने आत्मिक विकास के लिए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। आज शनिवार है। शनिवार का महत्व। शनिवार को हिंदू पंचांग में भगवान शनि का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शनि, जो कर्मफल के दाता है, की पूजा की जाती है। शनिवार को शनि देव के विशेष प्रसन्नता के लिए उनकी मूर्ति के सामने तेल, उड़द की दाल और अन्य चीजों को चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। ये दिन भी कार्यों को संपन्न करने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तम माना जाता है।
इस दिन शनि मंत्र का पाठ करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है और उनके दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ कुछ प्रमुख शनि मंत्र हैं: एक ओम शम शनैश्चराय नमः, दो ओम प्राप्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः, तीन ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम नमामि शनैश्चरम। ये मंत्र भगवान शनि की आराधना और पूजा में उपयोग किए जाते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इन मंत्रों का नियमित जप करने से भगवान शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। आज प्रदोष व्रत भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को संपूर्ण भक्तिभाव से मानने वाले लोग शिव भगवान की पूजा अर्चना और व्रत विधान का पालन करते हैं। प्रदोष व्रत का उदय समय शनिवार की शाम को होता है और इस व्रत को करने से मान्यता है कि व्रती को भगवान शिव की कृपा, सुख और समृद्धि मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए सामग्री की तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पूजा के लिए बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप और गंगाजल जैसे सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में भोजन का ग्रहण नहीं किया जाता है और पूरे दिन उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान किया जाना चाहिए। स्नान के बाद सफेद रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। पूजा की स्थल को स्वच्छ जल या गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। गाय के गोबर से मंडप तैयार किया जाता है और मंडप में रंगोली बनाई जाती है। पूजा की सारी तैयारी के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठा जाता है। उसके बाद भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जाप के बाद भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। इस पूजा में अवश्य ही पूरी शुद्धता और समर्पण के साथ कार्य किया जाता है, जिससे व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। ये पूजा भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होती है और व्रती को उनके जीवन में समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। और आज शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आप सौभाग्यशाली होंगे। शनिवार को बजरंग बली की पूजा करने का महत्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में माना जाता है। शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा क्यों की जाती है और कैसे करें? हनुमान जी और शनि देव के संबंध में एक पौराणिक कथा है जो उनके बीच दोस्ताना संबंध का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव की मदद की थी जब वे रावण की कैद से मुक्त होना चाहते थे। हनुमान जी के उपकार से प्रसन्न होकर शनि देव ने हनुमान जी से वरदान मांगने का निवेदन किया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शनि देव से कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन उनकी पूजा करेगा उसे शनि देव अशुभ फल नहीं देंगे। शनि देव ने हनुमान जी की इस बात को स्वीकार करते हुए उन्हें अपना वचन दिया। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से न केवल हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं बल्कि हमें शनि देव के भी आशीर्वाद मिलता है जो हमें संकटों से निजात दिलाते हैं। हनुमान जी को शनिवार के दिन प्रसन्न करने के लिए बजरंग बली की उपासना करें। शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर में गुड़, चना और केला को भोग के रूप में हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यह उपाय करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 6 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के मेष राशि के जातकों के लिए धन धान्य में वृद्धि का दिन है। आपकी नेतृत्व क्षमताएं और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। ये समय आपके लिए विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। व्यापारिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं और निवेश के माध्यम से अधिक धन कमा सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आपकी बातों का पूरा समर्थन करेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यदि आपको किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आपको उसमें अपने माता पिता से बातचीत अवश्य करनी चाहिए। आपका साथी आपके निर्णय में सहायक होगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस दिन का महत्वपूर्ण संकेत है कि आपकी प्रतिभा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको अच्छी आर्थिक स्थिति मिलेगी। ये भी आपके लिए एक संगठनात्मक दिन हो सकता है जब आपको अपने विभाग या समूह में नेतृत्व का महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। इस समय में आपको विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
व्यापारिक क्षेत्र में आपको कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिल सकती हैं और आप नए व्यापारिक अवसरों की खोज कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य को पहचानते हुए आपको अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए उत्तेजित किया जाएगा। आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ होंगे और आपके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। आपके पास उन्हें अपने करियर के निर्णयों में सहायक बनाने का मौका होगा। आपके लिए यह अच्छा समय है अपने वित्तीय योजनाओं को विचार करने का। आपको आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नए और सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि वालों के लिए शनिवार का यह उपाय शनि दोष से मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि को इस उपाय के माध्यम से समर्पित करने से आपको अपने जीवन में संतुलन, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय के लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें एक सिक्का डालें और फिर उसके ऊपर अपनी परछाई को देखें। ये सिक्का आपके प्रतिबिंब के रूप में होगा, जो शनिदेव के प्रति आपकी समर्पण और आत्मनिर्भरता को प्रकट करेगा। फिर उस कटोरी को तेल मांगने वाले को या फिर अगर संभव हो तो शनिदेव के मंदिर में समेत रख दें। इसके माध्यम से आप शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको शनि के दोषों से मुक्ति दिलाने के साथ ही आपके जीवन में स्थिरता और सफलता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसके अलावा शनिवार के दिन आपको पूरे दिन भगवान शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि मंत्र ओम प्राप्री प्रोंसह शनैश्चराय नमः। शनि के मंत्र का जाप करने से शनिदोष से मुक्ति मिल सकती है और आपकी राहत हो सकती है। शनिदेव के मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि आप शांत और ध्यानित रहें। मंत्र का जाप करते समय आपको अपने मन में शनि देव की ध्यान रखना चाहिए और उनकी कृपा का आभास करना चाहिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए साख और सम्मान में वृद्धि लाने वाला है। आपको अपने छोटे छोटे गलतियों को बड़े पन्ने से देखने और माफ करने की क्षमता होगी, जो आपकी संवेदनशीलता और उदारता को दर्शाएगी। व्यावसायिक गतिविधियों में भी आप आगे बढ़कर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आपको शासन और सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप आपकी खुशी और संतोष का स्तर भी उच्च होगा। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो आपको इसे तुरंत ध्यान में लेना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपने विचारों और निर्णयों में संवेदनशीलता और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दिन यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने व्यापारिक आइडिया साझा करता है तो आपको ध्यान देना चाहिए और उसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि आपको उसमें संभावनाएं दिखाई देती हैं तो आपको निर्णय लेने से पहले अधिक संदर्भ और अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए शनिवार का उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले शनिदेव की मंदिर में जाना चाहिए। वहां पहुंचकर आपको शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोमबत्ती और अगरबत्ती को एक साथ जलाकर भगवान शनि की आरती करनी चाहिए। इसके दौरान आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर प्रसन्नता की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद आपको घर वापस आकर सुबह शाम एक माला के साथ ओम हली श्री शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र शनिदेव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र का जाप करते समय आपको मन में शनिदेव की प्रतीक्षा रखनी चाहिए और उनकी कृपा का आभास करना चाहिए। इस उपाय को हर शनिवार करने से आपको शनिदोष से मुक्ति मिलने में सहायक हो सकता है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनाय हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लाने वाला है। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है और आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। आप धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने आत्मा को शांति और संतोष महसूस करेंगे। आपके कार्यों में आज भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपने कठिनाइयों और रुके हुए कामों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का समय हो सकता है, जो आपको आत्मा के विकास और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। ध्यान दें कि किसी अजनबी पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे मुकाम पर पहुंचने का मौका मिलेगा, जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों के खिलाफ आज कुछ लोग राजनीति कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें और सजग रहें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी।
मिथुन राशि के लिए आज का उपाय भगवान विष्णु की पूजा करना है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको पीला वस्त्र और बेसन के लड्डू उनको अर्पित करने हैं। इसके लिए पहले विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठे और उन्हें लड्डू, वस्त्र और तुलसी पत्र सहित अर्पित करें। फिर आपको उनकी मनोकामना बोलकर मंत्र जाप करना है, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें। आरती करते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अंत में श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपको आर्थिक स्थिति में सुधार मिल सकता है। घर के मंदिर में शाम को एक गोलबत्ती का दिया माता लक्ष्मी और नारायण के उद्देश्य जलाना भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यह आपके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का आगमन कर सकता है। इस उपाय को करने से आपकी जीवन में स्थिरता और सुख का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आपके कर्मों में शुभता और सात्विकता का विकास होगा, जो आपको आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए किसी जोखिम भरे काम से बचने के लिए सावधानी बरतने का संकेत देता है। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी चाहिए। आपको अपने व्यापार में बेहतर निर्णय लेने का मौका मिल सकता है, इसलिए विचार पूर्वक कार्रवाई करें। आपको बड़ों की सलाह को सुनकर उनके सुझावों का अनुसरण करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में लगाने का भी विचार करना चाहिए, जिससे समाज में आपका समर्थन हो सके। यदि आपके जीवन साथी के साथ कोई अनबन चल रही थी तो वह अब दूर होने का योग है। आपको अपने साथी के साथ संवाद करके समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि वालों के लिए शनिवार का उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो उन्हें परिवार में सुख शांति, ग्रह दोष से मुक्ति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसके लिए शनिवार को शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। शनि यंत्र को स्थापित करने के लिए आपको एक स्थिर स्थान पर यंत्र को स्थापित करना चाहिए। यंत्र को अच्छे से स्थापित करने के बाद आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि चालीसा के पाठ के द्वारा आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और उनके अशुभ प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे आप न केवल उनकी समस्याओं में सहायता करेंगे, बल्कि आपको भी आत्मसंतोष और आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आपके कर्मों को पवित्र और सात्विक बनाए रखने में मदद कर सकता है, जो आपके जीवन में समृद्धि और सुख का स्रोत बनता है। इसे नियमित रूप से करने से आप अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि की नई किरणों को प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा होगा। आपको अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा और आप अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। यह आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आपको अपने भोजन पर भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अनावश्यक खानपान से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और खुशहाली आ सकती है। बिजनेस में आपको अपने सहयोगी की सलाह पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अपने डिसीजन में खुद का भी योगदान देना महत्वपूर्ण होगा। आपको अपनी माताजी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने की संभावना है और यह आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आपकी संतान को शिक्षा में कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है, जो आपके परिवार के लिए गर्व का विषय होगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय भगवान विष्णु की पूजा करने का है। पूजा की शुरुआत में सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, जिसमें आप उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। पूजा के बाद पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठे और तुलसी की माला के साथ भगवान विष्णु कृष्ण अवतार मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्र का जाप करते समय आपको मन से उनकी ध्यान में रहना चाहिए। आप मंत्र का जाप 1, 3, 5, 9 या 11 माला कर सकते हैं, जो आपकी शक्ति और समय के अनुसार हो सकता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपका मन शुद्ध और प्रसन्न रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा से आपकी जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव होगा और आपके कष्टों और परेशानियों का निवारण हो सकता है।
कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए परोपकार के कार्य करने के लिए उत्तम होगा। आपको अपने बिजनेस से जुड़े कार्यों पर सावधानी बरतनी चाहिए और संबंधित निर्णयों को विवेचित रूप से लेना होगा। आपकी प्रेम और सहयोग की भावना आपके द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगी। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान करने के लिए आप उत्तरदायी ढंग से दृढ़ता और संयम का उपयोग करेंगे। आपको अपने बजट पर विशेष ध्यान देना होगा और धन के व्यय पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक होगा। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको काम के मामले में सफलता मिलेगी। अगर आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलता है तो आप उसे सहारा देने के लिए तत्पर रहें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह स्नान के बाद एक कलश में पानी लें। इस पानी में काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। अक्षत चावल का अर्थ होता है अजन्मा या अमर। ये धान का चावल होता है जिसे कोई भी प्रकार से कभी नहीं पारित किया गया हो। इसे पूजा, उपासना, यज्ञ, यज्ञोपवी, संस्कार, विवाह और धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। काले तिल का प्रतीकित अर्थ होता है सौभाग्य और सुख। इसे सूर्य की पूजा में अर्पित करने से सौभाग्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लाल गुड़हल का प्रतीकित अर्थ होता है प्रेम, शक्ति और आकर्षण। इसे सूर्य की पूजा में अर्पित करने से व्यक्ति को आकर्षक और प्रेमी बनाने में मदद मिलती है। फिर इस पानी से सूर्य को अर्घ्य दें। ये तीनों तत्व सूर्य देव को अर्चना के दौरान अर्पित किए जाते हैं ताकि वह शुभ फल प्रदान करे और व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त हो। अर्घ्य देने के समय सूर्य मंत्र का 16 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप से सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में ऊर्जा, सफलता और समृद्धि आती है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है और आपको आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से करने से आपके जीवन में सूर्य की किरणों का आशीर्वाद बना रहेगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। आपके पास आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अच्छा मौका हो सकता है और आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। प्रेम और स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी जो आपको अपने प्रियजनों के साथ अधिक समर्थ बनाए रखेगी। कला कौशल में सुधार आएगा और आपको अपनी कला कौशल को और भी उन्नत करने का मौका मिलेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और आपकी प्रतिभा और कार्यशैली की सराहना की जाएगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम करेंगे जिससे आपके लिए स्थिति अधिक उत्तम होगी। भावनात्मक मामलों में आप सकारात्मक रहेंगे और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे। आपके आपसी लंबे समय से चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं जिससे आपका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन सुखद रहेगा। आपको लोगों से बहुत ही सोच विचार कर बोलना होगा ताकि आपके विचारों को सही तरीके से समझा जा सके और आपका संदेश सही रूप से पहुंच सके। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। भगवान गणेश को पूजन करने से जीवन में संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको 21 दूर्वा चढ़ाने का विधि समर्पित करना चाहिए जिससे आपका मन शुद्धि और सकारात्मकता की ओर प्रवृत्त हो। इसके बाद भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर प्रसन्नता का अभिप्राय व्यक्त करें। लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग हैं और इसे उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गणपति बप्पा को आपकी मनोकामना को साझा करें और उन्हें आरती के समय आपकी समृद्धि और सफलता की कामना करें। आरती के समय आप ओम गम गणपति सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें जो गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। यह मंत्र कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और सच्चे मन और श्रद्धा से इसका जाप करने से आपके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और साधनाएं सफलतापूर्वक पूरी होती हैं। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी नए मकान, जमीन या वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए नई संपत्ति की प्राप्ति का मौका हो सकता है जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा। आपको अपने आवश्यक कामों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आपको उन्हें पूरा करने में समस्या हो सकती है।
विशेष रूप से वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आपको अपने निवेशों पर ध्यान देना चाहिए। आज कोई निर्णय लेने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आवेश में आकर यदि आप कोई निर्णय लेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपके परिजनों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और आपको उनके साथ सहयोग और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। आपको लोगों से बहुत ही सोच विचार कर बोलना होगा, ताकि आपके विचारों को सही तरीके से समझा जा सके और आपका संदेश सही रूप से पहुंच सके। अगर आप किसी की कही सुनी बातों में आकर लड़ाई झगड़े में न पड़े और धैर्य और संयम बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए माता दुर्गा की पूजा को समर्पित है। आपको माता दुर्गा को 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करना चाहिए, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना को एक पीले कागज में लाल रंग की कलम से लिखें और उसे माँ के पास रखें। इस प्रकार आप अपनी मनोकामना को माता दुर्गा के आगे समर्पित करेंगे। फिर उसी कागज के ऊपर 16 अपराजिता फूल अर्पण करें, जो आपकी प्रार्थनाओं को और भी प्रभावी बनाएगा। यह उपाय करते समय ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की कृपा की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की निवेदन करें। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जो माता दुर्गा की महिमा और कृपा को स्तुति करता है। ये पूजा विधि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करेगी और आपके जीवन में समृद्धि और सुख का साधन करेगी। ध्यान रहे कि पूजा के समय आपको भक्ति और श्रद्धा से मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सांसारिक सुख और भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको आपके समाज में स्थिति में उतार चढ़ाव में वृद्धि का अनुभव होगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपके जनसमर्थन में भी इजाफा हो सकता है और लोग आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप बंधुत्व की भावनाओं को अधिक महत्व देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कामों को लेकर अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। इसके साथ ही आप अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से जुटा पाएंगे। आपका साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको अपने कार्यों में अधिक सफलता मिलेगी। इस दिन कार्यों में उत्साह और सक्रियता बनाए रखें और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए एक शक्तिशाली उपाय है, जिसमें आपको भगवान शिव की पूजा करने का अवसर मिलता है। आज 6 अप्रैल प्रदोष व्रत के दिन इस पूजा को शाम में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा का मुहूर्त वीडियो के पंचांग में बताया गया है, जो आपको सही समय पर पूजा करने की सहायता करेगा। भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें और 21 बेलपत्र उनकी पूजा के लिए चढ़ाएं। सभी बेलपत्रों पर केसर का टीका लगाएं। फिर सभी बेलपत्र स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर 30 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको 30 मिनट के लिए ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और सोचे कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसके बाद हर बेलपत्र को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव की आराधना करें। ये पूजा विधि आपकी मनोकामना को पूरा करने में मदद करेगी और आपके जीवन को शुभ और समृद्ध बनाए रखेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सुख और सुविधाओं में वृद्धि लाने वाला है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आनंदमय पल बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी रिश्तों में मजबूती और संबंधों में मिठास आएगी। आप अपने संस्कारों और परंपराओं को महत्व देकर अपने व्यवहार में जोर देंगे, जिससे आपके आसपास के लोग आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देंगे। कारोबार में भी आपकी मेहनत और लगन से काम में तेजी आएगी और आपको लाभ होगा। आपको अपने काम में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे आपकी प्रगति में सुधार होगा। हालांकि आप अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण अक्सर परिवार के सदस्यों को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें समय समय पर सम्मान और ध्यान देने का प्रयास करें। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और आपको सभी का दिल जीतने में कामयाबता मिलेगी। अपने अच्छे कर्मों को जारी रखें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग नीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मकर राशि के लिए विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करने का है। हनुमान जी को लड्डू और केले के फल के साथ भोग लगाना एक प्रमुख उपाय है।
इसके साथ ही हनुमान जी के उद्देश्य पर एक घी का दीपक जलाना भी महत्वपूर्ण है। आपको अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी को कर्पूर से आरती करनी चाहिए। पूजा के अंत में हनुमान जी के 12 नामों का जाप करना चाहिए। ये नाम स्मरण आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है और आपके जीवन में समस्याओं का समाधान करता है। इस उपाय को करने से पहले आपको स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपकी मनोकामनाएं क्या हैं और कैसे आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। हनुमान जी को विशेष भाव से पूजने से आपके मन की बातें उन्हें पहुंचती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार आपके जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए भौतिक संसाधनों में वृद्धि और प्रगति का समय होगा। आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन का खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। ससुराल से आपको धन लाभ मिल सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। हालांकि साझेदारी में किसी काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें, क्योंकि अनजाने में आपको नुकसान हो सकता है। आपके परिवार में रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी और आप नए प्रयासों में आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्रतिस्पर्धा के भाव से भरा रहेगा, जो आपको अधिक मेहनत करने पर मजबूर करेगा। अगर आपको किसी खुशखबरी की सूचना मिलती है तो आप उसे तुरंत आगे बढ़ाने की सलाह दी जाती है, ताकि आपका और आपके परिवार का हर क्षण आनंदमय हो सके। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है। आपको सुबह उठते ही भगवान गणेश को हल्दी जल से स्नान करवाना चाहिए। हल्दी के गुणों से आपका शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का लाभ उठाता है। इसके बाद आपको पीले रंग का परिधान पहनना चाहिए। पीले रंग का परिधान पहनने से सूर्य की किरणों का प्रभाव मिलता है, जो आपको ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश के सामने पीले रंग के मीठे भोग को अर्पित करना चाहिए। इसमें पीले रंग का केला भी शामिल है, जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय होता है। पूजा के दौरान आपको गणेश मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपको सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करता है और आपके जीवन को चमकाता है। इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी भावना स्पष्ट हो और आप भगवान गणेश के सामने अपने मन की बातें प्रकट करें। इस प्रकार आपके जीवन में खुशियां और सफलता का सागर बहेगा। मीन राशिफल टुडेज पाइसिस हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने आसपास के ठगों और धोखेबाजों से सतर्क रहने की जरूरत है, जिन्हें आप पहचानने और दूर रखने के लिए ध्यान देना होगा। आर्थिक गतिविधियों में आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक बजट बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। आपको अपने संचय धन को भी समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सके। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को अभी कुछ समय और परेशान होना होगा, इसलिए आपको अपने कामों को धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी और अधिकतम तनाव से बचने के लिए आपको धीरे धीरे अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी स्थिति को समझने का समय देना चाहिए। इससे आपको किसी भी गड़बड़ी से बचाव मिलेगा और आपका काम संपन्नता के साथ पूरा होगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मीन राशि के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। शिव गायत्री मंत्र का पाठ करने से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और आपका मन शांत रहता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र को 108 बार या फिर 32 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान दें कि आप शिव के दिव्य शक्ति को अपने ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने घर के मुखिया द्वार में ओम चिन्ह सिंदूर से बनाना चाहिए। ओम एक प्रमुख धार्मिक संकेत है और उसका सिंदूर से चित्रण आपके घर में शांति और सुख को आमंत्रित करता है। इस सिंदूर के चिन्ह को आपके घर के प्रवेश द्वार पर स्थापित करने से आपके घर में धन समृद्धि और सुख का आगमन होता है। इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को धन समृद्धि और आनंद से भर दें।